नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोर। फ्रेंड, क्लैट 2020 कोरोना वायरस पोस्टपोन। तो देखिए, हम लोग का प्रयास जारी रहा तो क्लैट का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल एग्जाम स्टोर, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गाइज, आपके एक सब्सक्राइब मात्र से एग्जाम स्टोर के प्रति आपका प्यार और भी बढ़ जाता है, तो कृपया इस प्यार को और भी बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से देखते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड देखिए, क्लैट 2020 कोरोना वायरस के कारण एक बार फिर स्थगित हुई परीक्षा, यहाँ चेक करें नोटिफिकेशन। ये जनसत्ता की खबर आई हुई है। देखिए, आज ही की अगस्त 28 की जो 5:00 समथिंग पे आई है। तो क्लैट 2020 एग्जाम पोस्टपोन, लेटेस्ट न्यू क्लैट.ac.in पे। कंसोर्टियम ऑफ news.ac.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार के लॉकडाउन की स्थिति के कारण परीक्षा स्थगित करने का भी फैसला लिया गया। तो किन दो स्टेट में लिया गया है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार में लॉकडाउन के चलते यहाँ पे क्या हुआ है, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कही गई है या फैसला लिया गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर क्लैट 2020 परीक्षा को स्थगित कर दिया है। परीक्षा 28 सितंबर को आयोजित की जाएगी। CNLU ने यह फैसला नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण विभिन्न राज्यों ने मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है। स्थगित करने की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट clat.ac.in या इस पे consortium.nlus.ac.in पे भी मिल जाएगी। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि 7 सितंबर 2020 के लिए UG और PG दोनों उम्मीदवारों के लिए CLAT 2020 परीक्षा सोमवार 28 सितंबर 2020 को दोपहर 2 से 4 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो आप लोग का एग्ज़ाम जो होगा, देखिए, स्थगित कर दी गई है सोमवार को 28 सितंबर 2020 को 2 से 4 के बीच तक। तो और भी देखिए, यहाँ से हम लोग पूरा खबर देख लेते हैं। दरअसल यह पहली बार नहीं है जब कोविड-19 के कारण परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इस वर्ष परीक्षा को पहली से ही कई बार स्थगित किया जा चुका है। अधिसूचना के अनुसार विशेषकर पश्चिम बंगाल और बिहार के लॉकडाउन की स्थिति के कारण परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा अधिसूचना ने उम्मीदवारों को ताज़ा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भी नियमित रूप से जाने का भी सुझाव दिया है। तो भाई जी, ये रही ओवरऑल न्यूज़। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।